हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट एजुकेशनल चैनल। तो देखिए, जो भी लोग नवोदय विद्यालय समिति NVS का एग्ज़ाम दिए थे, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और मिसलेनियस लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, तो उन लोगों का रिज़ल्ट जो है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का रिज़ल्ट जो है पब्लिश हो चुका है। आज ही कुछ देर पहले पब्लिश हुआ है और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो लोग अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। और सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 12 और 13 मार्च को NVS के जो हेड क्वार्टर है नोएडा के, यूपी के नोएडा में, वहाँ पे सेक्टर 62 में उनका जो हेड ऑफिस है वहाँ पे उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 10-16 सितंबर 2016 में, और रिटन एग्ज़ाम हुआ था 11 दिसंबर 2016। और आफ्टर सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी लोग एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया थे उनको मीट किए थे, उनको फिर से 18 से 20 जुलाई एंड 26 से 27 सितंबर के बीच फर्दर शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो जो भी लोग शॉर्टलिस्टेड किया गया है वो सभी फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, और जो लोग एबसेंट थे या नॉट एलिजिबल थे उन सभी को निकाल के फ्रेश लिस्ट जो है, रिवाइज लिस्ट निकाला गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए कैंडिडेट के। तो उसी का न्यूज़ आया है आज, तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स। जो भी जो 10 ग्रेजुएट टीचर के इंग्लिश के पोस्ट के लिए थे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 12 तारीख, जो हिंदी है उनके लिए 13 तारीख, जो मैथ्स के है उनके लिए है 12 एंड 13 2 तारीख के बीच। आप देख सकते हैं सब डेट दिया हुआ है। साइंस के लिए है 13 तारीख, सोशल स्टडीज़ के लिए 13 तारीख, और लाइब्रेरियन जो पोस्ट है उनके लिए भी 13 तारीख को ही है। तो सबके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके नाम और उनका रोल नंबर, उनका डिटेल्स, जो भी जितने भी मार्क्स वो लोग पाए हैं सब कुछ दे दिया गया है, और जो भी उनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उन पे भी उन लोगों को मैसेज भेजा चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, और क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ज़रूरत है ले जाने के लिए, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो जैसे कि सब कुछ, जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ के सपोर्ट में, आपके क्वालिफिकेशन के सपोर्ट में, ग्रेजुएशन के मार्क्स जो है वो सब का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और उनके साथ 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको चाहिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए। नेक्स्ट है आपका जो है ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना होगा, जो भी आप सर्विस किए हैं पहले उसके साथ, जो भी आपका पे स्केल था और उनका जो अथॉरिटी के में आप काम करते थे उनके सिग्नेचर के साथ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। जो लोग कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना चाहते हैं SC ST OBC PH, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में जो सर्टिफिकेट बनता है उसको प्रोड्यूस करना होगा, और जो नोटिस के इशू होने के 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पहले कहाँ पे काम करते हैं उन लोगों के लिए NOC पुट करना पड़ेगा, और जो वैलिड आईडी प्रूफ होगा सेल्फ अटेस्टेड के साथ जेरोक्स कॉपी लेजा होगा। आपको यहाँ पे 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बोल रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा आप ज़्यादा लेके जाए, और जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिटन एग्ज़ाम दिए थे आप, और जो भी आप कॉल लेटर अभी डाउनलोड करेंगे वो सब भी आपको ले जाना होगा उस दिन। और यहाँ पे देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके सभी के मार्क्स भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। ये है जो लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए है, सर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं, जो सबको 115 मार्क्स मिले हैं। एक OBC UR PH कैटेगरी पे थे उनको 104 मार्क्स मिले हैं, और सभी का देखिए यहाँ पे सीरियली दे दिया गया है कौन से पोस्ट के लिए है, उनका रोल नंबर क्या है, कैंडिडेट का नेम क्या है, DOB क्या है, कौन से जेंडर के हैं, कौन से कास्ट पे है, और कितना मार्क्स मिला है, और कब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सब कुछ दे दिया गया है। तो आप PDF पे सब कुछ डिटेल्स पे चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और यहाँ पे देखिए, लाइब्रेरियन पोस्ट से 4 पोस्ट थे उनके शॉर्टलिस्ट किया गया है। जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है उनके इंग्लिश के जो ट्रेन टीचर्स हैं उन सभी के मार्क्स यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। आप देख सकते हैं 120 हाईएस्ट मार्क उठा है, और उसके बाद लोएस्ट मार्क कैटेगरी और वाइज जो भी मार्क्स है आप देख सकते हैं। आप कट ऑफ लगभग यहाँ से थोड़ा गेस कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या गया है, सभी के मार्क्स दे दिया गया है। तो ये इंग्लिश पोस्ट के लिए था, जो भी इंग्लिश में टोटल क्वालिफाई किया है 53 कैंडिडेट्स, और हिंदी में जो टोटल है यहाँ पे हिंदी स्टार्ट हो रहा है, हिंदी में मार्क्स ज़्यादा आए हैं, 136 आए हैं हाइस्ट मार्क्स हिंदी के लिए है। और यहाँ पे मैथ्स के लिए है, मैथ्स में 115 हाइस्ट आए हैं और लोएस्ट आए हैं 113। उसके बाद आए हैं मैथ्स के लिए 50 पोस्ट के लिए टीचर्स हैं, सॉरी यहाँ पे 72 टोटल पोस्ट हैं मैथ के टीचर्स हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और उसके बाद साइंस ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
साइंस के लिए 27 कैंडिडेट को बुलाया गया है, और ये है सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ में टोटल 28 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो यही सब कैंडिडेट्स थे जिनके नंबर और सब कुछ डिटेल्स पे दे दिया गया है, रिज़ल्ट पब्लिश हो चुका है। जो भी मेरे फ्रेंड एग्ज़ाम दिए थे सब अपना रिज़ल्ट वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, या पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं। जो भी लोग क्वालिफाई किए हैं उन सभी को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। 12-13 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप सब कुछ अपना ओरिजिनल 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी और अपना जो भी फोटोज़ हैं सब कुछ रेडी करके ज़रूर टाइम पर पहुँच जाइएगा। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं निराश मत होइए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है 2018 में, मेहनत कीजिए, आप लोगों को भी नौकरी ज़रूर लगेगा। तो फ्रेंड्स इतना ही न्यूज़ देना था, तो आप चेक कर लीजिए डिटेल्स में वेबसाइट में जाके, और वीडियो को भी देख लीजिए। वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी डाल दे रहा हूँ, वहीं से भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।